बिहार में बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजा हुआ है। उनके एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब है। हर रोज दरबार में लगभग 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच हिंदू राष्ट्र की ध्वजा संभाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हिंदू भक्तों की हजारों की भीड़ ने अब हलचल मचा रखी है। राजधानी पटना में हिंदू राष्ट्र के नारे का धीरेन्द्र शास्त्री ने शंखनाद किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। दरअसल कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत कई बीजेपी नेता दिव्य दरबार में पहुंचे, जिससे संकेत मिलने लगे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ सकती है। इससे इतर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से दरबार में आने की अपील की। बिहार की संस्कृति किसी के भी कथा का या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। वो जितनी बातें कह रहे हैं सब अपनी आस्था और धर्म की बातें हैं। सभी को अपने धर्म का बात कहने का अधिकार है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना भी जरूरी है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो करते हैं। मैं उनके बिहाफ में एक उनके बागेश्वर बालाजी के भक्त होने के नाते, मैं मुंडेश्वरी का भक्त होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग आए और बिहार की संस्कृति जो होती है अतिथि देवो भव, उसका सम्मान करें और कर रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के बिहार आने का तेज प्रताप यादव ने विरोध किया था, जिसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल विरोध के बीच बागेश्वर धाम न सिर्फ पटना पहुँचे बल्कि हनुमंत कथा के पहले दिन ही हिंदू राष्ट्र का नारा भी दिया। धीरेन्द्र शास्त्री काशी, मथुरा और अयोध्या को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। वो हमेशा हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। यही कारण है कि उनके कथा से पहले तेज प्रताप यादव ने चेतावनी दी थी कि अगर वो इस दौरान हिंदू मुस्लिम की कोई बात करते हैं तो उनको सबक सिखाया जाएगा। वहीं गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी बागेश्वर धाम के बिहार आने का विरोध किया। इसके विपरीत बीजेपी बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के प्रमुख नेता दरबार पहुँचे। गौरतलब है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऐसे में सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी की नजरें अब लोकसभा सीटों पर है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बिहार में हमेशा से जातिगत राजनीति हावी रही है। वहीं जहां तक बात धीरेन्द्र शास्त्री की है तो उनके दरबार में बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग आते हैं। RJD और JDU का परंपरागत वोट दलित और पिछड़ा वर्ग रहा है। अगर ये वोटर हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होता है तो इसका नुकसान इन पार्टियों को हो सकता है, वहीं बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। इसलिए बीजेपी जाति राजनीति को हिंदूवादी राजनीति में बदलने का प्रयास कर रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड कितना काम आता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।